mask is off. Okay. Okay. It was nice to meet you. Bye bye and have a Ciao. Hello. Hello. Come. Ah, you are Hafsif. Yeah. चलें जी, फ्लोरेंस की सबसे बड़ी अट्रैक्शन की तरफ हम आ गए, प्याजा डेल डुमो, और उस तरफ आ रहा है कि डुमो कॉम्प्लेक्स। तो मैंने दिखा कि जाते जाते आपको दिखा दिया जाए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम फ्लोरेंस, और आज सुबह सुबह उठ के हम जा रहे हैं पिज़ा लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा को देखने के लिए। हमने जो टिकट ली है आने और जाने की, एक साइड की टिकट हमें मिली है 8.7 यूरो की, पर ये 8:06 पर पिज़ा पे पहुँचेगी। जो मेन सेंटर है वहाँ पे आप इन एग्जैक्टली टाइम टेबल आगे किस किस देर में किस किस स्टेशन पे पहुँचेगी आप वहाँ से देख सकते हैं। 1:20 में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। हम वहाँ पहुँचेंगे पिज़ा सेंट्रल, और वहाँ से जो कैथेड्रल है जहाँ पे लीनिंग टावर है वो है तकरीबन 1.8 किलोमीटर पैदल रास्ता। तो मेरा प्लान है कि जाते हुए तो मैं पैदल ही जाऊँगा, ताकि रास्ते में भी थोड़ा सा पिज़्ज़ा को भी देखता जाता है, और कुछ और जो अट्रैक्शन है चाहे देख दो चार मैंने मार की हैं उनको भी देखते हैं। और वापसी पे कैथेड्रल से पिज़्ज़ा सेंट्रल आने के लिए हम बस की टिकट ले सकते हैं, जो 1.3 यूरो की है और 1 तक वैलिड होती है। उससे हम पिज़्ज़ा सेंट्रल और फिर वापसी इस तरीके से फ्लोरेंस आ जाएंगे। अच्छा, पिज़्ज़ा में जो चीज़ें देखने वाली है ना, जिस तरह यहाँ पर हमने देखा था ना सेंटा मारिया डेल्फियो कॉम्प्लेक्स जो था, उसी तरीके से है वहाँ पे। उसमें नंबर वन तो है कि पिज़ा का लीनिंग टावर है, उसके साथ पिज़ा कैथेड्रल है और सेंट जॉन की बैप्टिस्ट भी है। इसके अलावा एक आध म्यूज़ियम भी उसी के अंदर है, कुछ स्टेचूज या मॉन्यूमेंट वगैरह भी उधर हैं। तो वहाँ पे चलते हैं और जो हमें नज़र आता है वो आपको भी दिखाते हैं। टिकट लेनी है ना, इसको वैलिड करवाना है, वैलिडेट करवाना है ट्रेन में बैठने से पहले, वरना बाज़ दफ़ा चेक होता है तो वो फ़ाइन वगैरह भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर मेंशन है कि अगर आप वैलिडेट करवा लेंगे तो ये 4 तक काबिले कबूल है। वेलकम टू पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। ये है जी पिज़्ज़ा का ट्रेन स्टेशन, और हम आ गए हैं ट्रेन स्टेशन से बाहर। स्टेशन पिज़्ज़ा सेंट्रल, इसको चेंट्राले बोलते हैं। सिटी सेंटर, विटोरो साहब से इजाज़त ले लें। विटोरो इमैनुअल 2 सर, जा रहे हैं पिज़्ज़ा टावर। ओके, मौसम आज भी सुबह ठंडा ठार है। चलते चलते आ गया दरियाए आर्नो। मेरा ख्याल ये दरियाए आर्नो वही है जो फ्लोरेंस के दरमियान में फ्लो करता है। यहाँ पे
छोटा सा कैथेड्रल है, आई थिंक इसका नाम है सेंटा मारिया, बहुत छोटा सा है जी, चीज़ा दे सेंटा मारिया डेला स्पिना, सेंटा मारिया डेला स्पिना। इसके इस तरफ भी राइट और लेफ्ट दोनों तरफ कलरफुल इमारतें हैं। एक्चुअली तो मुझे इस पुल से जाना था उस तरफ पीसा टावर की तरफ, लेकिन मैं अगला पुल दे रहा हूँ क्योंकि रास्ते में आता है एक प्लाजा ब्लू, एक छोटा सा ब्लू रंग की अब म्यूज़ियम है, पहले वो एक पैलेस भी रहा। अच्छा, अभी हम आ गए हैं एक्चुअल सिटी सेंटर प्लाजा डी कैवेलियरी। ये एक्चुअल सिटी सेंटर था पुराने पीसा की हुकूमत के दौर में, और बाद में जो पिज़ा लीनिंग टावर वाला जो है ना टूरिस्ट की वजह से मेन वो बन गया, वरना यही जगह थी। और इस अगर स्क्वायर को आप देखें तो बहुत खुली जगह है और सारी की सारी इमारतें जो है ना इसके अंदर वो बड़ी ब्यूटीफुल है। ये है इसका मेन कैथेड्रल। और इसके साथ आए तो इसकी जो ग्रे कलर्स की पेंटिंग्स वो पूरी इमारत के ऊपर हैं, ये इसको शायद बिल्डिंग में पेंटिंग कर दिया गया। सामने इनका कोई मेडिकी फैमिली का कोई किंग और फाउंटेन। इस इमारत के साथ भी बेल टावर भी है, और ये क्लॉक टावर वाला रास्ता है, और इस तरफ से हम जाते हैं इसकी छत के ऊपर भी। पहले वक्तों में कोई अच्छी पेंटिंग्स वगैरह जो है ना हुई है आर्को दी Yes। और ये है जी पीसा टावर, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, और आखिरकार हम यहाँ पे पहुँच गए। ये जी बैपटिस्ट्री कैथेड्रल एंड लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये सिग्नेचर फोटो। आज हम ट्राई करते हैं शायद हमें जल्दी जल्दी पहुंचे टिकट मिल जाए और हम देख सकें, बाकी किस्मत। हाय, जी लाइन तो चलनी शुरू हो गई। अच्छा, ये टाइम स्लॉट था जो है, मेरा टाइम है 9:15 का, और ये गुड हो गया।
कभी वो ऑन टाइम हो, कोई बैग ना हो और आपने मास्क पहना हो, ये चार चीज़ें। चलें जी, हम पहुंच गए और अब हमारी सीढ़ियाँ होंगी और हम होंगे अंधेरी। स्पीड कम हो गई है लोगों की थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे। क्या थर्ड रोल? अच्छा, इसी रास्ते से आने, और ये वन वे ट्रैफिक है, आ भी रहे हैं, टू वे ट्रैफिक है। टेक योर टाइम। कुछ तो रुक गए, स्टार्ट कितने यार, 200-300। ये जगह सांस लेने के लिए उन्होंने बनाई है शायद। ये ऊपर हम आगे, शायद इससे भी ऊपर होगा या बस यही है। अच्छा, ये ऊपर से भी बिल्कुल लीनिंग लग रहा है, ज़ाहिर है उन्होंने थोड़ी सी डायरेक्शन ढलान तो बनाई है, तो ये इस तरह को हम नीचे को थोड़ा सा गिरते हैं। इट्स फर्दर अप, ओके ओके। अच्छा, ये बिल्कुल ऊपर नहीं थे आए हम, अब इससे ऊपर भी मज़ीद है और वो ये वाला रास्ता है, तो चलें मज़ीद थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। ये सीढ़ियाँ भी जो थोड़ी हैं ना, ये तंग हैं और ये तो घिस चुकी हैं चलने के बाद से, जो है ना मार्बल तो लगा हुआ है, लेकिन ये और इसके ऊपर ये बेल टावर भी है। कैथेड्रल एंड बैपटिस्ट्री, ये हो गया पीसा टावर। उन्हीं सीढ़ियों पे आकर आ सको तो आओ। ये बिल्कुल उसके नीचे पीसा टावर से कैथेड्रल की तरफ। अब अगर इसके अंदर भी जाया जाता है तो देखते हैं। ये है जी, इसका बिल्कुल सीधा मैं खड़ा हूँ इसके सामने, तो फिर ये एंगल बनता है इसका। चलें पिज़्ज़ा टावर से, पिज़्ज़ा मैं पिज़्ज़ा बोल देता हूँ, पिज़्ज़ा टावर से निकल के अब कैथेड्रल की तरफ। कैथेड्रल की एंट्री उन्होंने कहा है कि दूसरी साइड पे है, और अगर दूसरी साइड पे रश ना हुआ तो कैथेड्रल के अंदर जाते हैं। अच्छा, कैथेड्रल की एंट्री फ्री है, अगर आपके पास कोई भी टिकट है ना, मतलब बैप्टिस्ट्री की या टावर की, तो आप वो दिखा के अंदर जा सकते हैं, और अगर आपके पास वो टिकट नहीं है तो आप यहाँ उनका जो ऑफिस है बाहर, वहाँ से उनसे फ्री टिकट ले सकते हैं, लेकिन फ्री टिकट महदूद होती हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो बाकी रश के ऊपर अंदर जाने के लिए ये बैप्टिस्ट्री, और इस तरफ से अंदर जाने के लिए है
अब अगर अंदर जाने का मौका मिला तो जाते हैं अंदर। बैप्टिस्ट को बहुत आला तरीके से डेकोरेट किया गया है। ये है जी, मैं रजिस्टर में जा रहा हूँ, कैंपो सेंटो। ये एक्चुअली शाही फैमिली का ग्रेवयार्ड था और यहाँ पे मशहूर कुछ लोग भी दफन हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। द सेमेट्री वॉज बिल्ट इन 1277। अच्छा, गायोवैनी डी सैमोने। इट प्रोवाइड्स अ बैकड्रॉप ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द स्क्वायर एंड प्रोटेक्शन फॉर द कलेक्शन ऑफ सार्कोफागी एंड ग्रेव्स कैथेड्रल। अगरचे पीसा कैथेड्रल 11वीं सदी में बना था, लेकिन उसके ये वाले ब्रोंज डोर जो है ना, ये उसके काफ़ी अरसे बाद तकरीबन 17वीं सदी में बने थे। इससे पहले यहाँ पे लकड़ी के डोर होते थे, लेकिन 15वीं सदी के एंड पे यहाँ पे कुछ आग लगी तो वो वाले डोर ज़ाया हो गए। पीसा कैथेड्रल के अंदर दाखिल होते ही आपको बेशुमार स्क्रिप्ट कॉलम्स नज़र आएंगे। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इन कॉलम्स की तादाद 68 है, और इसके अलावा आपको बेजेंटाइन मोज़ेक्स, और वो मोज़ेक आपको कहीं पे छत के ऊपर भी नज़र आएंगे। सामान पकड़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी ट्रेन हमें सूट करती है वापस जाने के लिए। यहाँ पे आ गया पीसा चेंत्राली, और यहाँ पे हम अपने टिकट करेंगे वैलिडेट, और अगर ये ग्रीन हो गया तो इसका मतलब है हमारी टिकट वैलिडेट हो गई। चलें जी, अब हम चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा। हम जिस तरीके से पीसा को विज़िट करना चाह रहे थे, हमने सेम उसी अंदाज में उसको विज़िट किया। तो चलते हैं दोबारा फ्लोरेंस और फिर आगे रोम।